परवेज इलाही की हुकूमत जाते ही जिला गुजरात ने एक दफा फिर जो है कूड़े क्रिकेट के ढेर जो है जगह जगह दिखाई देना शुरू कर दिया है। ये मनाजिर हैं गुजरात के इलाका में रेलवे स्टेशन के करीब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरगोधा रोड का जो फाटक है ये बिल्कुल उसके करीब, जहाँ पर दूर दूर तक जो है आपको कूड़े क्रिकेट के नेट नज़र आ रहे हैं और हर जगह तोफल फैला हुआ नज़र आता है। मगर दूसरी जानब के अजीब ये भी मैटर है कि यहाँ पर आप देखिए कि ये रेलवे लाइनों के बिल्कुल करीब जो है तमाम रेलवे लाइनों पर जगह जगह जो है आपको कूड़े क्रिकेट के ढेर जो है नज़र आ रहे हैं और जिसका जहाँ दिल चाहता है वहाँ कूड़ा फेंक देता है। मुकम्मल तौर पर जो पटरियाँ हैं, दो तीन पटरियाँ मुकम्मल तौर पर कूड़े की जद में आने के बाद यहाँ पर जो है अपनी हैसियत ही खो बैठी हैं और उनके नामो निशान भी मिट चुके हैं। मगर ना तो रेलवे वालों की जानी से एक्शन लिया जाता है और ना ही दिल्ली इंतजामिया की जानी से इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि कम अज़ कम रेलवे लाइनों पर जो कूड़ा फेंकने वाले लोग हैं इनके खिलाफ़ वसी पैमाने पर जो है ऑपरेशन किया जाए। तो यकीन जो है सिस्टम में जो है कमिश्नर गुजरात अहमद कमाल मान और डिप्टी कमिश्नर जो हैं इनको चाहिए कि खास तौर पर जो पब्लिक मकाम हैं जहाँ से रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं वहाँ जो कूड़े क्रिकेट के ढेर हैं इन कूड़े के क्रिकेट के ढेरों को फौरी तौर पर उठाया जाए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अहले इलाका भी बड़ी तादाद में कूड़ा फेंकते हैं, जबकि जो कूड़ा उठाने वाले हैं वो भी गली मोहल्लों से कूड़ा उठाने के बाद जो है इन्हीं इलाकों में आकर जो है यहाँ पर कूड़ा फेंक कर फरार हो जाते हैं। तो यकीन इसका नोटिस जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को भी लेना चाहिए और इसके साथ डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि फौरी तौर पर जो रेलवे स्टेशन है ये इसके जो रेलवे फाटक के बिल्कुल करीब कूड़े क्रिकेट के ढेर हैं इनको फौरी तौर पर उठाया जाए। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज। आवाज़ न्यूज़, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।